Hello, students, how are you? I hope you all are well. So, today we are going to read the chapter number one, which name is My Heart Leaps Up. My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So, was it when my life began? So, is it now I am a man? So, be it when I shall grow old.

सो so, क्या था ये ये मेरी लाइफ वहाँ से शुरू होती है सो इज इट नाउ आई एम अ मैन सो बी इट वैन आई शैल ग्रो ओल्ड धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होऊंगा सो लेट मी डाई क्या मैं मर जाऊंगा सो चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन आई कुड वेश माई डेज टू बी बाउंड ईज टू ईज बाई नेचुरल पीटी तो किस तरह से वो विश करते हैं एक छोटा बच्चा है और वो किस तरह से इमेजिनेशन कर रहा है एक लाइफ को कि किस तरह से वो लाइफ होती है रेनबो में अलग अलग कलर में है ना डिस्ट्रीब्यूट होती हुई और उन चीज़ों को वो होल्ड अप करते हुए कैसे आगे ग्रो ओल्ड करता है और लास्ट में किस तरह से उसके फादर जो हैं जो तो चाइल्ड के फादर हैं तो वो कैसे मैन और आई कोड विश माई डेज टू बी कैसे होंगे बाउंड ठीक है बंधे होंगे किससे एक नेचुरल पीटी के थ्रू so So, this poem is written by W. Wordsworth. Ketru. So, here, the expression of the poem, kya hai, In this poem, the poet describes his love of beautiful things for nature in his childhood and young age. He hopes that such love would continue even in his old age to give him joy. He means to say that the grown-up man is the product or the habits and taste former in childhood. तो यहाँ पर आपने देखा तो क्या बता रखा है वही जो पोएम में बताया हुआ सेम है सेम चीजें हैं पोएम के अंदर जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि इस चीज को लव ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स की जो हमें नेचर से मिलती है ठीक है और जिसके अंदर वो क्या देख रहा है इन हिज चाइल्डहुड एंड यंग एज को वो अपने बचपन और यंग एज को इमेजिन कर रहा है और वो क्या होप कर रहा है सच लव और वुड जो भी ये प्यार है नेचुरल ठीक है ना प्रकृति का जो नेचर का जो लव है वो कंटिन्यू बना रहे इवन इन हिज ओल्ड एज और क्या दे उसको गिव हिम जॉय इट मींस क्या है उसका कहने का मतलब क्या है ग्रोन अप मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द हैबिट्स एंड टेस्ट फॉर्म ड चाइल्ड हुड तो ये छोटी सी फॉम थी बच्चे इसको रीड आउट करेंगे इसका मीनिंग समझेंगे और बहुत अच्छे से पॉइंट ने जो डिस्क्राइब किया है तो इस फॉम को भी वैसे ही करेंगे और इससे रिलेट जो भी एक्सरसाइज है बच्चे डू योर सेल्फ